श्रीमद् भागवत के चौथे अध्याय में योगीराज भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन से कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं अवतार लेता रहूंगा। साधु और संत भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप हैं, इसलिए जहां भगवान को मंगल भवन अमंगलहारी कहा जाता है वहीं साधु संत को मृदु मंगलमय संत समाजू कहकर आदर दिया जाता है। शिरडी के साईं बाबा का शिरडी में आना कोई सामान्य घटना नहीं है। प्रश्न ये उठता है कि सारी दुनिया को छोड़कर साईं बाबा ने शिरडी को अपना कार्यस्थान क्यों बनाया। स्वयं साईं ने इसका उत्तर में शिरडी की महिमा बताते हुए कहा था कि शिरडी मेरा गुरुस्थान है। श्री साईं सच्चरित्र के इस संबंध में एक कथा का उल्लेख है। एक बार शिरडी में बहुत भयानक तूफान आया। वह तूफान नहीं था, कहर था। उस वक्त एक 12 साल के बच्चे ने सिर्फ रुक जाओ कहकर उस कहर को शांत कर दिया। शिरडी गांव वालों को फिर लगभग 12 सालों तक वह बच्चा दिखाई नहीं दिया। साईं भक्तों का मानना है कि इन 12 वर्षों तक वह बच्चा अपने गुरु बैंकू शाह के साथ देशाटन करता रहा। सन 1856 के आसपास वह बच्चा ही साईं बाबा के रूप में अपने भक्त चांद पाटिल की पत्नी के भतीजे के बारात में शामिल होकर शिरडी आ गया और फिर लगातार समाधि तक शिरडी में ही रहा। ओम साईनाथाय नमः।